भात चिकन चावल नहीं, आज मुर्गा भात चलेगा। लगाने तो लगाने तो जियो को, जियो का चेहरा। हाँ हमारा चिकन, अब इसमें थोड़ा बहुत हल्दी दे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और देख लो अभी सुबह के 9:30 से ज़्यादा हो गए हैं और आज है चिकन बनाने का प्लानिंग। तो चिकन तो आ गया है, दिखाते हैं। तो एक्साइटमेंट है इसलिए क्योंकि 2-3 महीना से ज़्यादा हो गया है लगभग खाए हुए। आते हैं पहले, हमारे यहाँ जो बर्तन होता है ना, ये सब दोनों अलग अलग है क्योंकि एक साथ नहीं बनता है, तो दोनों बर्तन अलग अलग होते हैं। तो ये नॉनवेज वाला बर्तन छत पर हम लोग रखते हैं। उस बर्तन को लाना है, धोना है, साफ़ सफाई उसका करेंगे क्योंकि यूँ ही 2-3 महीना से परे परे ना उसमें धूल वगैरह और गंदगी भर जाता है, तो उसको पहले साफ़ करेंगे। वैसे चिकन तो आ गया है, ये देख मशीन में है, इसका साफ सफाई भी होगा। पर उससे पहले आते हैं बर्तन ले। पापा पूजा करने के लिए जा रहे थे, पास में देख रहे हैं ब्लॉग बनाते हुए। तो एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत दिन से खाए नहीं है यार चिकन घर पे बनाए, तो आज खुद ही चिकन बनाएंगे हम तो नहीं, भैया ही बनाएगा क्योंकि हमें तो बनाना नहीं आता है और कहीं गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए इसलिए, प्लस वही साइनस प्रॉब्लम, इस कारण से हम नहीं बनाते हैं। बनाएगा भैया, मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ। आते हैं पहले बर्तन, चलो पहले आप लोगों को बर्तन का हालत दिखा देता हूँ कैसा क्या है। सो अभी छत पे आ गए हैं, लेते हैं बर्तन, पर उससे पहले प्याज का फूल आप लोगों को दिखा देते हैं। बहुत सारे लोग जो शहर में रह रहे हैं वो कभी प्याज का फूल देखे नहीं होंगे, या मैं भी देखे भी होंगे, पर हमारे यहाँ लगा रखे हैं, वो फूल बन गया है। सो देखिए, ये देखो ये प्याज का फूल, पता नहीं इसे खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो ये देख लो, ये है जी हमारे यहाँ बर्तन, इस तरीके से रखा जाता है नॉनवेज वाला छत पे फेंक कर। इसे निकालते हैं, देखते हैं, देखो छिपकली वगैरह सब घुसा रहता है इसमें, धूल देख लो। अभी काम है हमें एक तसले का, इसका, और एक थाली का। दो गिलास है, एक लोटा है, लोटा जो कि गांव में किसी और काम में भी आता है, ये लोटा जो लोग बिलोंग करते हैं गांव से उनको पता होगा। तो अभी से साफ करना होगा, तो साफ करके मिलते हैं। आज चिकन चावल नहीं, आज मुर्गा भात चलेगा, भात एकदम बिल्कुल देहाती स्टाइल में। पार्टी में नहीं हम लोग जाएंगे, अभी गुलाल लेने थोड़ा देर बाद। अभी कितना टाइम हुआ? व्हाट टाइम? बहुत बढ़िया, बताइए अभी कितना टाइम हुआ? हम लोग 4 बजे जाएंगे गुलाल लेने। लगाने तो जियो को, होली खेल रहा है अभी से बच्चा सब। आ जाओ, मामा को दिखा दो। बस बस, आँख में नहीं, आ जाओ जियो। अरे इसको साफ करवा दे। मारो, मारेंगे एकदम, हमको जहाँ लगाया पीटा जाएगा। लगाओ खुद से, लगा जियो का चेहरा। नहीं लगाओ, चलो होली हो गया। हाँ, और रुकने को बोल रहा है जियो, रुक जाओ। मामा को दिखा दो। आ जाओ, भैया के साथ भी होली खेल रहा है, लगा रहा है गुलाल सब बच्चा सब। पहले ये सब होता था यार, छोटा थे तो गंजी बोले तो वो क्या बनियान पैंट वगैरह ये सब खरीदाता था होली में। अब तो बड़ा हो जाने पे ये सब कुछ नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं है कि 3 दिन बाद ही होली है। कल शायद अगजा हमारे यहाँ, तभी मैं सोचूं कि ये लोग अभी से ही क्यों रंग अबीर लगा रहे हैं। ये रहा हमारा चिकन, अब इसमें थोड़ा बहुत हल्दी देकर इसको ये कर लेते हैं, सानते हैं थोड़ा बहुत हल्दी ऊपर से छिड़क कर, पाउडर हल्दी का। थोड़ा देर इसको तेल में फ्राई करने के बाद देख लो इसका कलर ऐसा चेंज हो गया, थोड़ा सा हल्दी दिए हैं। इधर ग्रेवी बनाने के लिए प्याज वगैरह डाल दिया गया है, प्याज शिमला मिर्च यही सब जो जिससे ग्रेवी बनता है। तो बनाने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। एंड ये हम लोग नॉनवेज करीब 2-3 महीने के बाद खा रहे हैं। वो कब खाए थे तो 1 जनवरी को खाए थे, वो जो मटन लाए थे उसका भी ब्लॉग बनाया ही था, उसके बाद सीधा अभी खा रहे हैं। तो
देखते हैं कैसा बनता है, टेस्टी लगता है या नहीं। सो चिकन बन कर तो रेडी हो गया है, अब चलते हैं खाने, दिखाते हैं कैसा बना है। सो तो भाई खाना पीना तो हो गया है हमारा, और जो बाकी बचा वो कुत्ते के हिस्से का था वो कुत्ता को दे दिए हैं। अब चलते हैं आराम करेंगे कुछ देर, उसके बाद से आप लोगों से मिलते हैं। चिकन खाकर तो यार मज़ा ही आ गया है। अभी अभी शाम के 7 बज गए हैं और अभी मैं बर्तन धो रहा था। वो रीज़न ये है कि मम्मी का अचानक से तबीयत आज सुबह से ही ख़राब है, इस कारण से मेरे को धोना पड़ गया। यार देख रहे हो पसीने पसीने हो गए हैं, अभी से ही इतना गर्मी लग रहा है कि पूछो ही मत। तो अभी शाम हो ही गया है, अब जा रहा हूँ चाय वाय पीऊँगा, उसके बाद सीधा फिर 9-10 बजे के आसपास खाना वाना। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यार। और इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था भाई से रिलेटेड, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर करो, क्योंकि हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प होगी थोड़ा बहुत भी तो आपके तरफ से, छोटा सा हेल्प भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।